गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई डेली बस बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की डेट है, आज है 23 तारीख और आज है रविवार। तो आप सभी को अक्षय तृतीय और परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी और मेरी फैमिली की ओर से। तो आज मैं अक्षय तृतीया पूजा करने जा रही हूँ, तो सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। कल सैटरडे में मैंने बिल्कुल ही ब्लॉग नहीं बनाया, मन नहीं किया था एक्चुअली मेरा, तो आज सुबह से स्टार्ट कर लिया है। बहुत जल्दी घर के सारे काम कर लिए हैं और बस ये सब कुछ काम हो गया है। तो आज का जो महत्व रहता है, आज ना गुड्डा गुड़िया की शादी भी होती है, बचपन की खेल गुड्डा गुड़िया की शादी होती है। कल ना इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं था। ये जो फेस्टिवल है ना, 2 दिन मनाया गया है। कुछ लोगों ने कल बना लिया है सैटरडे में और कुछ लोग संडे में मनाएंगे। तो मैं संडे में इसलिए मना रही हूँ, उसका रीज़न है कि वैसे कैलेंडर में ना आज का ही दिया हुआ है, तो मुझे आज का ही पता। जब 2 फेस्टिवल हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार क्या करना है, आज करना है कल करना है, फिर फ़ोन लगाना स्टार्ट कर देती हूँ मैं। तो कुछ लोगों ने बोला कि कल भी है, टेंशन नहीं लो। तो क्योंकि यार ना ये घर पे नहीं थे तो मेरे पास कोई सामान भी नहीं था, तो फिर मैं नहीं कर पाई। और फिर मैंने सोचा कि चलो संडे में ये घर पे भी रहेंगे, तो मैं आराम से पूजा करूँगी और सामान भी आ जाएगा। तो कल ये बहुत लेट नाइट आए हैं। फिर आने के बाद में इन्होंने थोड़ा सा अपना काम वाम किया, तो मैं देर में सोई थी, मतलब 1:30 बज गया था मुझे सोने में, और सुबह 6 बजे का अलार्म लगा के सोई थी। सुबह 6 बजे का अलार्म बजा, फिर बंद करके मैं फिर से सो गई। फिर मैं 7 बजे उठी, फटाफट से ऊपर वॉक करने के लिए गई, फिर आके मैंने अपना योगा किया। योगा वगैरह करने के बाद में फिर मैं फटाफट से घर के सारे काम करके नहा के तैयार होके फिर मैं किचन में आई हूँ। तो ये कुछ सब्जियाँ लेकर के आए हुए हैं, तो उनको मैंने वॉश करके रख दिया है अभी, और बस उनको अब मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी जल्दी से। फिर पूजा के बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं अभी, तो बस फिर मुझे पूजा करनी है, पूजा की तैयारी लगानी। तो सिंपल सी पूजा होती है, कुछ ज़्यादा वो नहीं होता है। आज गुड्डा गुड़िया की शादी भी होती है, आज अन्न और जल को दान देना चाहिए, और आज जो लड्डू गोपाल है उनकी चंदन सेवा होती है, तो चरण दर्शन होते हैं आज के दिन। तो बहुत ही शुभ दिन है आज का दिन, ऐसा दिन है कि आप बिना मुहूर्त के कोई भी काम कर सकते हो पूरा दिन, कोई शुभ मुहूर्त दिखवाने की ज़रूरत नहीं होती है। शादी ब्याह भी हो जाते हैं, जिनके शादी का योग नहीं बनता है वो लोग शादी वगैरह भी कर सकते हैं। आज के दिन बहुत शुभ दिन माना जाता है, और सोना चांदी खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। तो सोना चांदी भी आप लोग आज के दिन खरीद सकते हो, और कुछ इस तरह से पूजा वगैरह होती है। तो जो कुछ भी मैं करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है, डिटेल में। और कुकिंग ज़्यादा शेयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं पूजा का ही आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। जिससे मेरा मन था कि मैं ना गुड्डा गुड़िया की शादी करूँ, इस बार आपको दिखाऊँ पहले हम लोग क्या करते थे बचपन में। लेकिन ना मेरे पास गुड्डा गुड़िया नहीं है, दूल्हा दुल्हन नहीं है। मैंने इनको बोला कल की मुझे ला के दे देना मार्केट से, तो ये लेट आए, तो जब तक शॉप सारी बंद हो चुकी थी, तो फ्रूट्स अकेले लेके आ गए थे, और वेजिटेबल्स तो सारी बाहर से लिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही है। तो सारे कुछ मार्केट बंद ही हो गया था, फिर नहीं लेके आ पाए। फिर मैंने बोला चल छोड़ो, जो है उसमें पूजा कर लेते हैं। वैसे आज के दिन गुड्डा गुड़िया की भी शादी होती है, शादी कराई जाती है उनकी, तो एक वो भी हमारे यहाँ पे रिचुअल्स होता है। आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं होता है आज के दिन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कितने लोग अक्षय तृतीया की पूजा करते हैं ये भी ज़रूर। तो अभी बज रहे हैं सिर्फ सुबह के 9, और मैंने सारे काम कर लिए हैं घर के, जैसे कि वर्कआउट करती तो वर्कआउट भी किया है मैंने, अपना योगा भी किया है, सब कुछ किया है। उसके बाद मैं अभी तैयार हो गई हूँ नहा धो के, बस पूजा करनी है मुझे भी, और फिर पूजा की तैयारी लगानी है। तो आप लोग कैसे करते हैं अच्छा करते हैं कि पूजा, मेरे साथ जरूर शेयर करना मैं कैसे करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो साथ में ये सब्जी लेके आ गए थे, नीचे गए थे, तो यहाँ पे फिर पूरी सब्जी मुझे धोनी पड़ी। ये मेरे पास एक और एक्स्ट्रा काम हो गया था, और यहाँ पे पूरी मैं चॉपिंग करके रख लूँगी एक साथ में ही। तो आलू की सब्जी बना रही हूँ और मैंगो जूस बनाऊँगी, तो उसकी मैं पूरी चॉपिंग कर लूँगी यहाँ पे फटाफट से। मैं पहले मैंने सोचा था कि छोले बनाएंगे, लेकिन बिना प्याज लहसुन के छोले वो मज़ा नहीं आता है। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे सबसे बेस्ट लगती है हर फेस्टिवल में जल्दी से बन जाने वाली आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो कि मैं कुकर में बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि हम दोनों को कुकर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो फटाफट से मैं यहाँ पे सब्ज़ी को छोंक देती हूँ कुकर में, और टमाटर हरी मिर्च के साथ में, और यहाँ पे बना ली है मैंने चटनी, क्योंकि फ्रेश धनिया आया हुआ था, तो मैंने सोचा चटनी भी बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे सादी सी चटनी बना ली है। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे आम का रस, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे मैंगो को कट करके रख लिया था, और पहले मैंने ऐसे ही उसको चलाया, उसके बाद मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ, चीनी मैंने ऐड इसमें पहले ही कर दी थी। और यहाँ पे आम का रस ही बना के फ्रिज में रख दूँगी, जिससे ठीक वो ठंडा रहेगा।
थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी कर लेती हूँ किचन में, अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है। ये वीडियो शूट कर रहे थे तो बस यहाँ पे भी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डाला है मैंने पीनट ऑयल। हम लोग रिफाइंड ऑयल नहीं खाते हैं, यहाँ पे मूंगफली का ऑयल था वो मैंने डाल दिया। यहाँ पे आटा लगा के रख दिया था मैंने, और जो न्यू वाले चिप्स है ना अभी डेली मैं उनको फ्राई कर रही हूँ क्योंकि नए नए चीज़ें खाने में अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं पूजा की पूड़ियाँ बनाऊँगी, जो छोटी छोटी पूड़ियाँ होती ना वो बनाऊँगी, और यहाँ पे थाली लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये लग चुकी है मेरी थाली पूजा के लिए, भोग के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे पूजा की तैयारी मैं कैसे लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाली है, आपके पास लाल मिट्टी है ग्योरी तो वो उससे भी आप ये इस तरह से फ्लोर पे लीप सकते हैं, हम लोग लीप ड्राई बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे हल्दी बहुत शुद्ध मानी जाती है तो मैं हल्दी का ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आटा लेके आई हूँ, तो आटे से हम यहाँ पे लगाएंगे चौक। चौक मैंने लगा लिया है, आपको शायद ठीक से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वाइट फ्लोर है, वाइट ही आटा है तो नहीं दिख रहा है ज़्यादा, बट मैंने यहाँ पे लगा लिया। उसके बाद चावल डाल के मैंने यहाँ पे घड़े को रख दिया है मौली बांध करके, और खाली घड़ा नहीं रखते हैं, पहले से पानी भर के रखा है। यहाँ पे मैं 4 गिलास रख दे रही हूँ, अगर आप आपके पास कुल्हड़ी हैं छोटे वाले जो कुल्हड़ होते चाय पीने वाले वो भी आप रख सकते हैं। और घड़ा को ढकना होता है, मैंने यहाँ पे माला मंगाई थी तो ये कल ही ले आए थे फूल माला वगैरह। तो यहाँ पे प्लेट रख दिया मैंने ढकने के लिए क्योंकि इतना बड़ा फ्रूट नहीं था, तो मैंने यहाँ पे एक मैंगो रख दिया है। सीज़न का ऋतु फल रखना होता है, या खरबूजा रख दीजिए या मैंगो रख दीजिए, जो अभी आपको रखना है वो। यहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है तो मैंने रख दिए हैं, और यहाँ पे मैंने अपने ठाकुर जी को भी रख दिया है, लड्डू गोपाल को। लड्डू गोपाल की जी की होगी चंदन सेवा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम स्वास्तिक बनाएंगे जो कि बहुत ही शुभ होता है हमारे हिंदू रीति रिवाज में बनाना। तो कटनी लगाते हैं स्वास्तिक बनाते हुए, देख सकते हैं अब मैं कैसे बना रही हूँ। वैसे ही आपको स्वास्तिक बनाना होता है, और चावल चढ़ा देंगे। उसके बाद जो हमने 4 गिलास रखे हुए हैं वो उनको भी हम टीका लगा देंगे। इस तरह से हम सभी को पहले टीका लगाएंगे फिर फूल चढ़ा देंगे। अब यहाँ मैंने एक कटोरी में चंदन घोल के रखा है, कान्हा जी को पूरा चंदन का लेप हम लगाएंगे अच्छे से पूरी बॉडी में उनको, ये जो कि बहुत ठंडा करता है और बहुत अच्छा होता है। और आज के दिन बिहारी जी की चंदन सेवा होती है तो इस तरह से हम चंदन लगा देंगे, और मेरे साथ में ये भी लगाएंगे क्योंकि घर पे हैं तो ये भी पूजा करने के लिए आ जाएंगे, तो फिर ये भी चंदन लगाएंगे। और कुछ इस तरीके से मैं पूजा कर रही हूँ, आप लोग कैसे करते हो बताना। हवन करना भी बहुत ज़रूरी होता है इस पूजा में, तो अभी हम लोग बाद में हवन भी करेंगे। तो यहाँ पे कान्हा जी को चंदन लगाएंगे, और फिर जो चंदन है उसका एक हम लड्डू लगाएंगे तो उसको भी दान करते हैं, तो वो लड्डू भी हम बिहारी जी के कान्हा जी के पास में हम रखेंगे तुलसी दल के साथ में। किसी ने कमेंट किया था कि कान्हा जी को तुलसी नहीं चढ़ाते हैं, भोग में तुलसी नहीं डालते हैं। अगर आप कान्हा जी को तुलसी नहीं चढ़ाएंगे, तुलसी का दल आप उनके भोग में नहीं डालेंगे, तो वो आपका भोजन जो है वो ग्रहण ही नहीं करेंगे, बिना तुलसी के वो नहीं ग्रहण करते हैं कुछ भी चीज़। तो यहाँ तक कि उनके स्नान के लिए भी तुलसी का यूज़ किया जाता है। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था इसलिए मैं इसका रिप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ एक कटोरी चीनी और कुछ दक्षिणा मतलब पैसे मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, ये हम दान करेंगे मंदिर में। तो शाम को मैं मंदिर जाऊँगी तो लेके जाऊँगी। एक कटोरी मैंने चने की दाल ली है, इसकी जगह आप चना भी ले सकते हैं, गेहूँ भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे। तो यहाँ मैंने चने की दाल चारों में डाल दी है, और घड़े में मैंने थोड़ी सी चीनी डाली थी जब हमने प्लेट ढकी थी तभी, क्योंकि खाली जल भी नहीं रखते हैं तो थोड़ी सी मैंने उसमें चीनी डाली थी, बहुत 2-4 दाने ही डाले थे। तो ये दाल और चीनी मैंने रख दी है जिसको हम दान कर देंगे। और ये देखिए चंदन का छोटा सा लड्डू बनाया है मैंने, बहुत मुश्किल में बनाया लेकिन बन गया अच्छे से, और ये हम कान्हा जी को चढ़ा देंगे। तो ये देखिए मैंने फूल चढ़ा दिए सभी को, चावल चढ़ा दिए थे सभी को, और अब हम यहाँ पे लड्डू चढ़ा दे रहे हैं, और कान्हा जी को भी तिलक करेंगे अभी।
तो दोस्तों जैसे मैंने देखा सुना वैसे मैंने पूजा की, और कोई कमी रह गई है तो आप मुझे ज़रूर बताना। मैं मौली बांधना भूल गई थी, जो चार गिलास रखे हुए हैं ना, अगर आपको लट रख रहे हैं या कुछ भी रख रहे हैं तो उन पे भी मौली बांधना, जैसे आपने घड़े पे बांधी थी। यहाँ पे चार दो दो पूड़ी के हम कोड़े रखेंगे, और इसके ऊपर वैसे कैरी रखते हैं तो मैं कैरी की जगह आम रख रही हूँ, क्योंकि कैरी नहीं थी मेरे पास में और ये लेके नहीं आए, तो मैंने बोला भी था तो वो भूल गए थे। तो मैंने सीज़न के जो फल होते हैं, वैसे हमारे यहाँ पे कैरी कचरिया ये सब कुछ रखती थी मम्मी, तो मैंने यहाँ पे सीज़न के जो फ्रूट्स थे चार पांच तरह के वो मैंने रख दिए हैं, और पूड़ी रख दी थी और चीनी रख दी थी। बस यहाँ पे अब हम कर रहे हैं हवन, तो हवन करने के लिए जो छोले की लकड़ियाँ होती हैं वो मैंने ले ली हैं, पहले नहीं थी मेरे पास में, तो उसी के साथ में कपूर के साथ में मैं यहाँ पे हवन कर रही हूँ और भगवान जी को भोग लगा रही हूँ, क्योंकि हवन करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी भगवान जी जो भोजन को ग्रहण करते हैं, अग्नि देवता पे चढ़ाते हैं तभी। तो यहाँ पे मैं भी कर रही हूँ और ये भी कर रहे हैं, तो हवन हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे भी कान्हा जी को भी खिला रही हूँ, क्योंकि उनके भोग में हमें तुलसी पत्ता डालना होता है, और बस यहाँ पे तुलसी पत्ता डाल के उनका भोग लगा दिया मैंने। उसके बाद मैं करूँगी आरती, और इस तरह से हो जाती है हमारी पूजा। तो बहुत सरल तरीका है, और आप लोग बताना मैंने सही किया ना, और कुछ कमी रह गई है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस ये देखिए पूजा तो हो गई अच्छे से, और बाहर मौसम तो ऐसा हो रहा है, बाहर हो रही है बारिश, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है। तो अभी कितना टाइम हो गया, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैंने पूजा जल्दी कर ली क्योंकि आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और खाने का टाइम भी हो गया है। कितना टाइम हो गया बताएंगे नहीं, बहुत बिजी हैं। तो आज चंदन सेवा ठाकुर जी की, हमारे लड्डू गोपाल जी की, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो अभी इनको स्नान भी कराएंगे थोड़ी देर के बाद, अभी नहीं, और ये सब कुछ मंदिर में दे आएंगे शाम को, अभी नहीं। तो चलिए अब कितने बज गए, बाहर बहुत तूफान आ रहा है, बहुत जल्दी पूजा पाठ कर ली मैंने आज, अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, बूंदाबांदी है, तूफान है, बारिश नहीं है, तूफान है सिर्फ, ये जो तूफान है ना ये बारिश को उड़ा ले जाता है। वैसे बारिश अभी आना ठीक भी नहीं है, क्योंकि अभी सही नहीं है, खेतों में बहुत सारा सामान वगैरह लोगों का रखा हुआ है ना, है ना, इस टाइम की बारिश सही नहीं है। लेकिन पता नहीं यार इस बार मौसम कैसा हो रहा है, हालांकि ठंडा हो गया है थोड़ा सा, दो दिन से हो रहा है, मैंने बोला था ना कहीं कहीं बारिश हो रही है, तो आज हमारे यहाँ भी मतलब मौसम चेंज है। और हाथ मेरे देखोगे आप, टन टन टन, कैसे हो गए, चंदन से हो गए, चंदन की खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे। A few moments later. तो डेली मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ नहाने से पहले, लेकिन आज नहीं किया था क्योंकि आज पूजा पाठ वगैरह करनी थी अच्छे से, तो बस यहाँ पे अभी मैं सीधा अपना खाना ही खा रही हूँ। तो गाइस अभी लंच कर लिया है और कुछ रील्स भी बनाई है मैंने ऊपर जाके, क्योंकि आज मौसम अच्छा था, थोड़ा थोड़ी सी हिम्मत कर ली ऊपर जाने की। अभी कपड़े चेंज करने जा रही थी, तो मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि कुछ खास आने वाला है, खास दिन आने वाला है, तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो बहुत सारे कमेंट आए हैं, गेस तो आप लोगों ने कर लिया कि एनिवर्सरी आने वाली है, बट कुछ लोगों ने, मैंने आपको बोला था कि डेट भी मुझे बताइएगा, तो कुछ लोगों ने डेट मतलब फिक्स बताई है, तो उन्हीं का मैं यहाँ पे नाम ले रही हूँ। और कुछ लोगों ने 4 बोला है, कुछ ने 5 बोला है, कुछ ने मैं बोला है, तो मतलब अंदाजा तो आपको बिल्कुल सही, थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन जिन्होंने करेक्ट बोला है उनका मैं यहाँ पे नाम ले रही हूँ। संगीता रानी जी ने बोला है 1 मई को आपकी एनिवर्सरी है, सो थैंक यू सो मच। और किसने बोला है 1 मई, मैं देखती हूँ, जी हाँ 1 मई को हमारी एनिवर्सरी है। किसी ने 9 मई बोल दिया है, रितु शर्मा जी ने 9 मई बोला है, 9 दिसंबर में मेरा बर्थडे आता है, मेरी बर्थडे की डेट है 9th। कुछ लोग एनिवर्सरी विश कर रहे हैं अभी से, सो थैंक यू सो मच। नेहा कुमारी जी ने भी यहाँ तक के वहां तक ठीक ही बोला है, उन्होंने 2 कमेंट किए हैं शायद, मैंने देखे थे, 1 मई को आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। हेमा शर्मा जी ने भी बिल्कुल सही बोला है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है दी, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। ओके ओके ओके, अच्छा लखनऊ व्लॉगर मौसम जी ने भी बिल्कुल सही बोला है, 1 मई को वेडिंग एनिवर्सरी, थैंक यू। और ये कौन है, इन्होंने 2 मई को बोला है, मोनू उपाध्याय जी, चलिए मैं यहाँ पे सभी के नाम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि व्लॉग काफी लेंथी हो जाएगा।
आरजे चिंसू करके है इनकी आईडी। फर्स्ट मेरे को आपकी एनिवर्सरी, थैंक यू। पता नहीं मैंने सही नाम लिया या नहीं लिया है। नेहा कुमारी जी ने सही बोला है, फर्स्ट मई को है। मैंने बोला ना कि जब मैंने देख लिया था उनका कमेंट, फर्स्ट मई को है। थैंक यू। आशा रानी जी ने भी सही बोला है, फर्स्ट मई को एनिवर्सरी है। थैंक यू। अन्नू कुमारी जी, 1 मई को एनिवर्सरी है। थैंक यू, उन्होंने भी सही बोला है। शिवांगी सोनी जी भी सही बोल रही है, फर्स्ट मई को एनिवर्सरी है। थैंक यू। पवन कुमार जी, मेरी भी एनिवर्सरी है। मैं दीदी, ओके, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। कामिनी राय ने भी सही बोला है, आपकी एनिवर्सरी है, फर्स्ट मई को। थैंक यू। दूसरे चैनल का लिंक दीजिए, शोलांजलि फूड एंड ब्यूटी। आपको, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, मैंने दूसरे चैनल का लिंक उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। पवन कुमार जी भी सही बोल रहे हैं, फर्स्ट मई को है। तो बस इतने लोगों ने सही बोला है अभी तक। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए, और 2 बच्चों के हैं, बर्तन पड़े हैं क्लीन करने के लिए। यहाँ पे पूरा मैस है, और पूजा वगैरह वहां भी पूरा मैस है, वो वाला रूम में भी। तो थोड़ा सा क्लीनिंग करूंगी, क्लीनिंग में मतलब सामान वामान उठा के रखूंगी जगह पे, और कपड़े चेंज करती हूँ। सबसे पहले मुझे साड़ी पहन के ना घबराहट होने लग जाती है, पता नहीं क्यों यार। पूजा कर ली बस अच्छे से, और देखते हैं कि शाम तक कहीं जाते हैं या नहीं जाते हैं। आप लोग व्लॉग को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपने अक्षय तृतीया वाले दिन क्या क्या किया था वो भी मेरे साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, ये जो मैंने पहना है ना, ये पर्स का, ये मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने भेजा हुआ था, आपको पता है ना। तो मैंने आपको दिखाया था लड्डू के साथ विंटर के टाइम में भेजा था, और ये इयररिंग्स नहीं है इसके साथ में, इयररिंग्स मेरे हैं। तो इसमें थोड़ा सा पर्ल का काम था ना, तो मैंने सोचा कि इसको पहनते हैं, अच्छा लगेगा। आप लोग रील्स जरूर चेक कर लेना मेरी इंस्टाग्राम पे, आईडी इंडियन यूट्यूबर श्रद्धांजलि, स्क्रीन पे दे दी हूँ, देख लेना आप लोग। A few moments later. इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी आपको दिखाऊंगी, मैंने बहुत सारे बर्तन क्लीन कर लिए। ये तो लास्ट का थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ, मुझे याद आ गया कि यार यार व्लॉग भी चल रहा है। व्लॉग मतलब यही कि छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करना अच्छा लगता है। और लेकिन कैमरा लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हाथ गीले हैं, पहले हाथों को अच्छे से सुखाओ, बीच में फिर कैमरा लगाओ। कभी ये होते तो इनकी हेल्प ले लेती मैं शूट करने के लिए, कभी नहीं होते तो खुद से ही करना पड़ता है सारी चीज़ें। तो मतलब शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बीच बीच में काम छोड़ के कैमरे को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार तो फ़ोन मेरा जो है ना कैमरा गिर जाता है, क्योंकि छूट जाता है हाथ से तो गिर भी जाता है, तो बड़ा दर्द होता है कि यार कहीं मुझे कुछ मिला तो मैंने आपका ये कैमरे पहन लिया। अरे यार ऐसा मत कर यार, कपड़ों में बढ़िया लग रहा है, मेल फीमेल है। मैं नहीं पहनूंगी इसको, मेरे पास कैपरी नहीं थी लेकिन सच्ची मैं, और मेरे को बढ़िया काम चल गया। मेरा टी-शर्ट के ऊपर कैपरी पहन दो आराम से, अच्छा लग रहा है। एक ही चीज है जो मैं आपकी पहन सकती हूँ, ना टी शर्ट पहन सकती हूँ, ना सूट पहन सकती हूँ, बस ये पहन सकती हूँ, ना जीन्स पहन सकती हूँ। कब जा लो, कब जा लो। तो खाने के साथ में नहीं, हम लोगों ने मैंगो जूस लिया था, क्योंकि जो भोग प्रसाद का था वो इन्होंने खा लिया था थोड़ा सा, बट मैंने नहीं लिया था क्योंकि मुझे खाने के साथ में नहीं अच्छा लगता ज़्यादा। या तो मुझे पराठे अच्छे लगते हैं इसके साथ में, या तो फिर मैं फ्री होके बाद में पीती हूँ। तो अभी बहुत टाइम हो गया है, मतलब 3:30 बज रहे होंगे, तो थोड़ा सा मन किया तो मैंने सोचा कि चलो मैंगो जूस हम लोग पीते हैं, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाले मैंने ऊपर से। ये सीजन का पहला मैंगो शेक, क्योंकि हम पीने जा रहे हैं। चेस चेस कर लो, आवाज में दोनों पी लो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, पहले मैं मंदिर गई, मंदिर में जो दान देना था वो मैंने दान दिया, फिर मैं आई हूँ अपना जहाँ पे मैं ब्लाउज वगैरह स्टिच कराती हूँ, वहाँ पे दीदी को ब्लाउज वगैरह देने के लिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तत्काल फेंकने का क्या चार्ज है? कुछ नहीं लेना, बाहर के लिए ले लो, वो खत्म खराब हो गया सीढ़ियों वाला। भैया ब्रोकली है क्या? ब्रोकली
कुछ चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, इसलिए फिर मैं नहीं लेती हूँ। वो छोटा सा कपड़ा मैंने आपको दिखाया था 50 रुपये का था, उससे अच्छा हम घर पे बना सकते हैं कॉटन का किचन के लिए। यहाँ पे मैंने अपने लिए स्कर्ट देखी थी, ये भी मुझे बहुत महंगी लगी, फिर मैंने नहीं ली। किसी को देख के मुस्कुरा रहे थे ना, तो गाइस मन कर रहा है यहीं पर बैठे। कहाँ पे आए हम लोग, ये क्या है? तो गाइस हम लोग केसर टावर्स में आए हुए हैं, फर्स्ट टाइम आए हम लोग यहाँ से। वैसे हम लोग रिलायंस आते हैं, बट आज हम लोगों ने यहीं से शॉपिंग कर ली। ये भी रिलायंस ही है यहाँ पे भी, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम की है। और वाह, हवा देख सकते हैं, हमें लग रहा है कि मैं खुद ही उड़ जाऊँगी। ऐसी चल रही है हवा, मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। और यहाँ पे हमने अपनी कार को पार्क कर दिया था। चलो चलो शॉपिंग कर लिए। मैं एक बारी और आई थी थैला लेने के लिए, इतना बेकार थैला देते हैं 14 रुपये में और 25 रुपये में, घटिया काहे के लिए फालतू में। अरे कहाँ गए, चलो ना। सब अच्छा है कि अपना खुद का थैला लेके आओ। इत्तेफाक से पीछे रखा हुआ था, हमें पता नहीं था कि हम शॉपिंग करने आ रहे हैं। रखा हुआ था तो फिर मैंने सोचा कि यहीं से लेके जाते हैं। वो भी करते हैं, आराम से एंजॉय करते हैं यहाँ पे। लेकिन अब मौसम बहुत अच्छा हो रहा है अभी। क्या करते हैं? एंजॉय तो कर रहे हैं। अच्छा पॉइंट है। One hour later. तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर, और अभी 9:30 हो गया है। हम लोग कहीं चले गए थे, तो अभी मैं आपको थोड़ा सामान दिखा देती हूँ। एक ब्रैड लेके आए हैं जो हम लोग रिलायंस मार्ट से लेके आए हैं, और एक ये कोकोनट ऑयल के साथ ही ये जो फ्रोजन मटर होती है वो, रिमोट की सेल, ये ख़त्म ख़राब हो गए थे। हम लोग चले गए थे हॉस्पिटल में एक्चुअल में, हाँ एक दीदी हैं उनसे मिलने के लिए। और उसके बाद में ये है किचन टावल, तो टावल है ये बाय वन गेट वन में थी, बट हम लोग एक सेट ही लेके आए हैं। और एक ये चीज़ स्लाइस जो कि ब्रिटानिया का है, अमूल का नहीं था, छोटे में नहीं था, बहुत बड़ा था तो नहीं लिया। इसके साथ ही ये सर्फ एक्सल जो सोप होते हैं वो लेके आए हैं हम लोग, 10 हैं, क्योंकि ये लगते हैं, ये जो अपने न्यू कपड़े हैं उनको हाथों से वॉश करते हैं तब लगते हैं, वैसे मुझे तो डिटर्जेंट लगता है ज़्यादातर। और ये कौन मिल रही थी मेहंदी की जो रेड वाली होती है ना, आप लोग पूछ रहे थे कौन सी होती है, तो वो ये होती है, ये वाली होती है। इसको लगाओ थोड़ी देर में, सूख निकाल दो तो ये रेड कलर आता है, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। ये वो वाली मेहंदी कौन है, लगाओ सूख जाए तो फटाफट निकाल दो, बहुत जल्दी रच जाती है। तो ये भी बाय वन गेट वन में थी, तो हम एक ही लेके आए हैं। हाँ कि मुझे मेहंदी बहुत पसंद है। हाँ तो लगाएंगे ना मेहंदी, अपनी एनिवर्सरी, अपनी एनिवर्सरी आ रही है ना, आपको भी लगा नहीं। ये वो है क्या कहते हैं धूप सैंडल का है, तो एक हम ये लेके आए हैं, एक नहीं है दो है ये, मुझे लगता है इसमें स्टैंड भी है शायद लगाने वाला, आवाज आ रही है ये देखो। और ये लेके आए हम बटर मिल्क, जो कि दो निकलेंगे, एक और होगा, मतलब मैं लूँ और ये ना लें ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो बोली थी थोड़े से और ले लेते बटर मिल्क, तो रखे रहते फ्रिज में, यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये दो लेके आए हम बटर मिल्क। और मेन मुझे लेनी थी दाल, ये है मूंग दाल जिसकी मुझे बढ़िया बनानी है, तो मैं 1 kg लेके आई हूँ, तो इसकी हम बनाएंगे बढ़िया मूंग दाल की बड़ी। तो चलिए दोस्तों अब इस व्लॉग को कर देते हैं एंड। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। और आज मैंने ये बहुत दिन के बाद कप्तान टॉप पहना था और जीन्स पहना था, तो इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। खाली हो चुका है, ये हम लोग अपना लेके गए थे, एक गाड़ी में ना रखा रहना चाहिए कि हम कभी भी कहीं से शॉपिंग करने लग जाते हैं तो काम में आता है, है ना थैला। चलिए बाय बाय।